तो किट्टू ने दीदी के लिए कुछ चूड़े निकाल दिए हैं कि जा रहे तो कुछ चूड़े दे दे। मामाअर्थ निकाल दो, लगाई खत्म हो गई। क्या हो यार ये देखी था और सामान बांट है, इतना सामान हम लोग निकाला है। मम्मी देखो ये क्या है, निकाल दो लगाई खत्म हो गई। क्या हो यार ये देखी था, देते इनके गाल पॉलिश लगाई है ना। ये क्या हुआ पहले जो ना ये तुम यूज नहीं करती हो तो ये हमेशा नहीं लगाते हाइलाइटर नहीं है। इसको लेते जाओ वो यूज कर लेगा। डस्ट लेके जाते हैं क्या अंदर चलेगी बेड के अंदर पूरा। ये मैं राखी पे आ रहा हूँ। हमारे लिए मेकअप का प्रोडक्ट आ रहा है देख लो। गुड मॉर्निंग फैमिली, सुबह हो चुकी है और सुबह होते ही यार हमें याद आती है अपने इस प्यारे से चमचमाते चेहरे की। इस चेहरे को और अच्छी तरीके से चमकाने के लिए और अच्छा दिखने के लिए मैं यूज करने जा रहा हूँ मामाअर्थ का फेस वॉश, जो कि है राइस रेंज का राइस फेस वॉश। सो गाइज ये मिलके बना हुआ है राइस वाटर और नाइसिनामाइड से। इसमें B3 भी है और ये आपको एक ग्लास स्किन देता है। कि मामाअर्थ नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। मामाअर्थ में किसी भी प्रकार के हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं होता है। अगर आप सब भी मामाअर्थ का प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो ये मामाअर्थ का प्रोडक्ट अवेलेबल है मामाअर्थ पे, अमेजोन पे, नाइका पे और पर्पल पे। एडल्ट के लिए और बच्चों के लिए अवेलेबल है फर्स्ट क्राई पे। mamaearth.in से मंगवाते हो तो आपको कूपन कोड यूज करना है AMIT2022, तो आप सब लोगों को मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। चल रहा हूँ फेस वॉश करने के लिए, तो आपको अपने चेहरे को थोड़ा गीला करना है और आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग फेस वॉश ले लेना है। उसके बाद आपको इसको अपने चेहरे पे, फोरहेड पे हल्के हाथों से मसाज करना है। फिर उसके बाद जाकर के आपको इसको फेस वॉश करना पड़ेगा। इसका फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी जेंटली आपके चेहरे को जब आप मसाज करते हो ना, फिर फील आपको जरूर होने लगता है कि हाँ यार ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ओ भाई साहब, तब में और अब के चेहरे में आप सब लोग को अंतर दिख ही रहा होगा, लोग को फर्क साफ दिख रहा होगा। तो मामाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव प्रोडक्ट है। मामाअर्थ इंडियन ब्रांड है। मामाअर्थ ने अपना खुद का मामाअर्थ ऐप लॉन्च किया हुआ है, जहां पे यूजर कैन गेट अर्ली एक्सेस टू सेल एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम। जब भी आप मामाअर्थ का प्रोडक्ट लेते हो तो आपके ऑर्डर को वेबसाइट के जरिए एक ट्री से लिंक किया जाता है, जो ट्री मामाअर्थ खुद प्लांट करता है, लगाता है। और तो और उस ट्री का लोकेशन, पिक्चर, वो सारा कुछ एक्सेस आप सब लोग को सेंड कर दिया जाता है जो भी ये ऑर्डर करते हैं। रेगुलर इन दोनों प्रोडक्ट को यूज करने वाला हूँ। और तो और ये आपके स्किन को जेंटली लुक देते हैं, ब्राइटनिंग स्किन देते हैं और किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है, डर्मोलॉजिकली टेस्टेड होता है और ये सुटेबल फॉर ऑल स्किन होता है। तो किसी भी तरीके का आपकी स्किन है तो मामाअर्थ के प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो। सो गाइस चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो अब समय आ गया है पैकिंग का। सुबह सुबह मुझे जाना है, सुबह सुबह जाना नहीं है, रात में ट्रेन है तो मैं भी रात में ही पैक कर लूँगा, कल ऑफिस भी जाना होगा। सो गाइस समय कम मिलता है, भागम दौड़ बड़ी जिंदगी में समय कम मिलता है। रात जो होती है रात अपनी होती है, तो रात में इतना सामान पैक करेंगे। तो आइए चलिए दिखाते हैं क्या क्या सामान लेके जाने वाला हूँ। मैं बैठी हुई है मुझे सजेशन देने के लिए। हाँ सब... खाना खाए थे तो इधर उधर बात कर रहे थे तो बैठ गए हम। देखो चेहरा आप लोग को लग रहा है ना, जुदाई वाला चेहरा है ये। तो किट्टू ने दीदी के लिए कुछ चूड़े निकाल दिए हैं कि जा रहे तो कुछ चूड़े दे दे। मैंने बोला कि और अच्छा लगे वो देख लो, पेट के अंदर है। और दीदी का ड्रेस भी ये रख लिया जो हमने लिया हुआ है, मैंने दिखा दिया है, दिखा दिया है। हाँ। तो ये ड्रेस है दीदी को जो देने वाले हैं और आई होप कि आप सब लोग को अच्छा लगेगा। ये मेरा ड्रेस है जो मैं भी पैक करूंगा ले जाने के लिए। फिर क्या नहीं, उसमें दो लेके जाऊँगा, एक रख दूँगा, एक किट्टू का वो है और एक जीन्स है और एक पहन के जाऊँगा, एक लेके जाऊँगा, बस दो ही कपड़ा ना। और क्या निकालना है भी तुमने ऐसे तो अच्छा पहनता है तो दिखाते थोड़ी नहीं कच्चा। क्या निकालो लगा तो कैमरा शेड में बेड के अंदर है ना, देखिए कौन सा लगा बेड के अंदर से कि नीचे से, नीचे थोड़ी ना बेड के अंदर है। सही है कि हम लोग का बहुत ढेर चीजें सब इसी में रखा रहता है बेड के अंदर। ये देखते हैं कि ट्रॉली क्या हमें कहीं इधर आ जाओ, देखोगी तब तो देख लो बस। हाँ ये बैग लेके जाएंगे मेरा एवरग्रीन बैग। और चूड़ा कौन सा निकालूं बाबू? देखिए ये वाला। और कौन सा लोग तुम? बहुत सारा है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। हटो तुम हटो। ये वाला भी चूड़ा है, बहुत चूड़ा रखी किट्टू। लगे हाथों से दिन अंदर डाल दे फैला रहेगा सब। ये नहीं, ये तो नहीं जमा ग्लैंड जैसा लग रहा है। ये सही है, ये है ना। हाँ पहनी की धरा धरा जा यही हो रहा है। बाहर बाहर साड़ी उड़ी पहन के बाहर। ये वाला बैग लेके जाएंगे स्कूल वाले बैग। हम लोग के पास सामान की कमी नहीं, सामान बहुत है। तो देखिए कितने डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पड़े हुए बिल्ड पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग इसी अंदर रख देते हैं कि ताकि खोए ना। अभी तुम्हें किसी चीज़ें मुझे हटानी है और कुछ चीज़ इसमें निकाल लेता हूँ। कुछ प्राची को भी गिफ्ट दे देगा, भाई प्राची जा रहा है तो प्राची को भी चाहिए होगा। ले लिया हटाओ सामान। सामान की कमी नहीं है भाई, सामान बहुत है। सो गाइस देखिए सब कुछ भरा पड़ा है। कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट निकाला हूँ उसमें से देखता हूँ कि क्या दीदी को या प्राची को दे सकता हूँ मैं। ये थैला भर के है, वो घर के लिए निकाल देंगे। पहले गए थे अभी देखिए गाइस इतना प्रोडक्ट है हमारे पास। अब इसमें से देखते हैं सब, ये सब दे देते हैं ना, प्राची यूज कर लेगी। खरीद के लेके आओ राशन में आया था ना। रोज ही फेस मास्क ये सब प्राची को दे देते हैं। 2023 ये सब है, बहुत चीजें पड़ी हुई हैं। हम तो नहीं यूज करते हैं है। अब कितना तुम यूज करोगे? आप रोज बेड थोड़ी ना खोलेंगे। तो दे सब हरे रख दे जो कि लगाए ये सब जगह रह जाए घर में। ऐसे रख दे, कूलर में रख दी, बाथरूम में रख दी। और क्या गजब बात करते हैं। ये तो 2024 तक है। दे दे इनके गाल पॉलिश लगाई है ना। पहले जो ना ये कलर तुम यूज नहीं करती हो तो ये हम ये सब नहीं लगाते। हाइलाइटर नहीं, हाइलाइटर वैसा नहीं होता है। गाल पॉलिश, गाल पॉलिश होता है। ये तेल है वो आयर किस चीज का हुआ? हां भूल लगाया जाता है। ये फेस सीरम ऑयल की तरह ही होता है। ये जेल है, आंखों के नीचे लगाया जाता है। अंडर आई लाइनर के बहुत बातें तुम लगावा कर में। हां ये हम ही ना लेवे तेल वेल वाला। देखिए तेल तो तो सब नहीं देते जो तो के लिए तो तुम लो प्राइमर है यार। ये प्राइमर प्राइमर आया लिखा था, मेकअप करेला था ले ले। और ये पराठे मार लिए। गाल पॉलिश दे दो ना मिगदार गाल पॉलिश दे। लगावा के वीडियो बना दे जल्दी, रील्स वील्स फिर खरीद के बनाओ। वंदना दी को मैंने इतना ढेर सारा प्रोडक्ट दिया। अब ये वीडियो बनाएंगे, एक एक करके दिखाएंगे कि देखिए इसके पहले जब जितनी बार पेट खोलते उतनी बार सामान निकाल के देते हैं क्योंकि हम लोगों ने निकाल लिया। रक्षाबंधन फेस मास्क हम लोग पड़ा हुआ, फेस मास्क लगाया कितना खरीदे जाए। फालतू हम खरीद के ले गए थे, पैसा लगा था। चाचा ने मुझे क्या दिया है ये लिप पे लगाने के लिए और सामान बांटे। सामान हम लोग निकाला है। मम्मी देखो ये क्या है? अब जा रहे सब दे देंगे उसको। खराब है शैम्पू पूरा हम निकाल दिए रे यार। और घरे घरमा घरे सबके एनिवर्सरी आप सबके नहीं दिए रे का डब्बा में निकले हुआ चेक कर कौने में। वो मेरा सामान है उसमें का बा मतलब कुछ नहीं बटे इससे का रखे हो फालतू। तब मतलब नहीं बा कोनो चीज है रे। नहीं पन्नी ले लो। अरे मैंने में कपड़ा रखी है पहले ले। कुछ नहीं है, बहुत सारा सामान सबको दे दिया ना जी। रखे हमको याद आ गया निकाल लेते हैं। अब जा रहे हैं प्राची। हम रखने के बाद अब ये बिस्तर कर रहे हैं। शरीफ सब खुश हो गया था, सबके दिए कोई कहीं ना। हमें कुछ सब विटामिन सी का लगाओ लें यार, विटामिन सी फेस के लिए अच्छा ही होता है। अरे देखिए टोनर सब लगाओ फेस पे, प्राची तो टोनर लगाती है। इतना सारा प्राची तुम्हारे लिए मेकअप का प्रोडक्ट आ रहा है, देख लो। तो सबसे पहले दीदी का एक ड्रेस रख लेता हूँ मैं, और रख इसलिए अभी ले रहे हैं ताकि हम लोग कोई चीज़ भूले ना, भूल जाएंगे फिर पता नहीं कब जाएंगे नहीं जाएंगे, ये भी चीज़ होता है ना। दीदी का ड्रेस हो गया, कहूँ जाते ना जी साहब, कहूँ जाते ना मेरे जाते जान नहीं रहा वैसे खुलेगा। जी सब बोला सर हम तुम्हारा इतना सब कुछ करते मेरे लिए कुछ नहीं करोगे, तब जी सब के लिए मैंने ये किया। ऐसे करो ई यहाँ ई ऐसे लगेगा, महक कितना अच्छा रहा है ना ये, तो कैसे बोलोगे ऐसे करके लड़का वाला है। ऋषभ बहुत ख्याल रखता है कि सब चॉकलेट दिए, चॉकलेट इसके अंदर डाल दिया, डाल दिखाओगे क्या? और चॉकलेट नहीं टॉफी है, हमारा बच्चा चॉकलेट मिस क्या होता है इसको बताओ। गाइस हमने प्राची के लिए सब चीज़ें भी ले ली हैं, तो ये मैं भी रख लूँगा इसको भी, और किट्टो करी जब जार ये सब चीज़ें हैं तो इसको लेते जाओ वो यूज कर लेगा। डस्ट लेके जाते हैं तो अरे रखो ये सब चीज़ें, क्या हम ले लेंगे कुछ भी। चलो चल ले लिया। अरे दीदी को ये वाला चूड़ा देना, ये वाला चूड़ा दीदी के लिए है, और अरे पैर के पास सॉरी वो दो उनको, इसका ढक्कन नीचे, ढक्कन को सही करो, तोड़ कैसे दी ढक्कन, आ जाएगा सही, टेप मार दो इसमें, टेप कहाँ है। दीदी के लिए चूड़ा हो गया, दीदी के लिए गिफ्ट हो गया, और दीदी के लिए ड्रेस हो गया, ये बहुत है। ये प्राची के लिए हो गया, मामाअर्थ का भी सामान है, पर्पल का भी सामान है, सब मंगाती है तो जब मेरे पास है तो हम दे देते हैं, हम यूज भी नहीं करते, सारा का सारा ऐसे, कुछ भी नहीं खुला है, देखो ना सब सील है, कुछ नहीं खुला है। ये भी पैक एकदम, हम कभी यूज नहीं करते सब, सब पैक, कुछ भी यूज नहीं किए हैं। ये भी पैक है एकदम, सब पैक है यार, सब किसकी बात बताएं क्या, अंदर चलेगी बेड के अंदर, पूरा निकाल देंगे। चल कहाँ अंदर चलेगी बेड के अंदर, कैसे चला गया पता नहीं, कैसे चला गया। अरे जब तुम उसमें से उसमें निकाल के रख, वही खेल रहा था उससे गिरा नीचे चला गया, सुबह निकाल देंगे। चलो का सारा गिफ्ट ये रहा, इसी के अंदर सारा कुछ पैक कर दिया है, और अच्छा लग रहा है। जी मैं राखी पे आ रहा हूँ। मारेंगे बहुत मारेंगे लिलिया। तो भाई जब फाइनल पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि अरे पैकिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मॉर्निंग रात में आप लोगों ने देखा कि हमारी बैग वैग सब पैकिंग वैकिंग हो रही थी, और पैक करके मैंने सारा कुछ साइड में रख दिया है। किट्टो ने मेरी बहुत हेल्प की है, रात में हम लोगों ने बहुत सारा सामान निकाला प्राची के लिए, और जो भी भाभी को सामान लेना था भाभी अपने लिए सामान ले लिया। दूसरा सबसे बड़ा काम मेरे लिए क्या है ना, कूड़ा बहुत इकट्ठा हो गया, 3 दिन से कूड़े वाली गाड़ी नहीं आई है, तो मैं रहूँगा नहीं, भाई साहब थोड़ा बिजी रहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आज कूड़ा सारा फेंक आता हूँ, क्योंकि जब तक मैं आऊँगा तब तक कूड़ा अगर थोड़ा बहुत इकट्ठा भी रहेगा तो हो सकता है तब तक कूड़े वाली गाड़ी आ जाए। कल मुहर्रम था, छुट्टी रही होगी, उसके पहले संडे था, इस वजह से हो सकता है कि गाड़ी ना आई हो, तो कूड़े वाली गाड़ी, जिसकी वजह से इतना कूड़ा मेरे पास भर गया है, तो मैं इस बोरी में भर लेता हूँ, ड्राई कूड़ा है, कोई गीला कूड़ा नहीं है, तो मैं कूड़ेदान है बड़ा सा, उसमें जाके फेंक आता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान, सफाई बहुत जरूरी है, सबसे पहले आपको अपने घर की सफाई करनी रहती है तो बाहर की सफाई हो जाती है। तो चलता हूँ, थोड़ा सा सेविंग भी सेट कराऊंगा किट्टो वाले, थोड़ा अगर आप जा रहे हो तो सेविंग भी थोड़ा सा सेट करा लो, कब आप जाए। चले गाइस चलते हैं और मिलते हैं, पहले कूड़ा फेंकेंगे तो उसके बाद बाकी बचे हुए काम फिर करेंगे। गाइस ये कूड़ादान होता है, यहाँ पे आकर के हम कूड़ा सारा डाल देते हैं, और फिर मैंने बोरी रख ली, अब चलता हूँ थोड़ा सेविंग कराता हूँ। गाइस सारा कुछ काम मैंने कर दिया है, कूड़ा वूड़ा फेंक दिया है, मैं नहा धोकर एकदम तैयार हो गया हूँ, अभी जा रहा हूँ ऑफिस जाऊँगा, थोड़ा सा काम है और जल्दी आ जाऊँगा क्योंकि आज मेरी ट्रेन है, तो लेकिन ऑफिस में कुछ काम है तो मुझे जाना पड़ा, आज हाफ डे करूँगा, हाफ डे करके फिर घर पे आ जाऊँगा, फिर रिपोर्ट भी लेने जाना है किट्टो का, और मुझे 1-2 काम और वो भी निपटाने हैं, फिर मेरी रात में ट्रेन है, इसलिए मुझे अभी जल्दी निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए।